press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर रिवेन्यू का एकमात्र पद 5 आरएएस अफसरों के इंटरव्यू में पहुंचने के बाद खाली रह गया। चयन बोर्ड ने इंटरव्यू के बाद एक भी आरएएस अफसर को इस पद के लिए काबिल नहीं माना। एसीबी अब इस पद के लिए नए सिरे से आवेदन मांगेगी। गृह विभाग के अनुसार एसीबी में डिप्टी डायरेक्टर रिवेन्यू के एक पद के लिए 10 आरएएस अधिकारियों ने आवेदन किया था। इनमें 5 आरएएस अफसर बुधवार दोपहर 12 बजे चयन बोर्ड के समक्ष इंटरव्यू देने भी पहुंचे। गृह विभाग के एसीएस शैलेंद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता वाले चयन बोर्ड में एसीबी डीजी आलोक कुमार त्रिपाठी एवं कार्मिक सचिव भास्कर एस सावंत बतौर सदस्य मौजूद रहे। जानकारी मिली है कि बोर्ड ने एसीबी एवं उससे विभिन्न अधिनियमों और रेवेन्यू से संबंधित सवाल किए थे। इंटरव्यू के बाद बोर्ड ने किसी भी अधिकारी को इस पद के काबिल नहीं माना। इंटरव्यू देने पहुंचे आरएएस अफसरों में उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी के विशिष्ट सहायक श्रवण कुमार बुनकर, अल्पसंख्यक मामलात विभाग में उप निदेशक डॉक्टर गुंजन सोनी, नगर विकास न्यास सीकर में सचिव सोहन राम चौधरी, उदयपुर के जिला रसद अधिकारी गीतेश श्री मालविया और बीकानेर नगर विकास न्यास के सचिव डॉक्टर राष्ट्रदीप यादव शामिल थे। उधर आवेदन करने वाले अधिकारियों में राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीराम वेदीरे के विशिष्ट सहायक करण सिंह, पीडब्ल्यूडी में संयुक्त सचिव अंतर सिंह नेहरा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव मुकुट बिहारी जांगड़, लोकायुक्त ओएसडी ओम प्रकाश शर्मा द्वितीय और अलवर वृत्त द्वितीय के डीआईजी पंजीयन एवं मुद्रांक सुनीता पंकज इंटरव्यू के लिए पहुंचे ही नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.